वेल स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंग्स एंड सेमी जेन फेस टू फेस आ चुकी हैं, तो क्या सच में सेमी जेन ब्लड लाइन का पार्ट बन चुकी हैं? वो सभी इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर आपको बताने वाला हूं कि स्मैकडाउन के अंदर ब्लड लाइन के प्रोमो सेगमेंट में क्या कुछ बवाल हुआ है। तो सबसे पहले रोमन रेंग्स एंड जिमी उसो आते हैं एंड वो आकर कुछ बोले, इतने में जे उसो आते हैं एंड आकर रोमन रेंग्स को बोलते हैं कि मुझे पता है तुम आजकल क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। एंड फिर सेमी जेन आते हैं, अपनी एंट्रेंस माइक लेते हैं एंड बोलते हैं कि क्राउन जेवल में जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं करा, वो एक एक्सीडेंट था एंड क्राउन जेवल में मैं सिर्फ जे उसो के लिए आया था, उसे सेव करने के लिए आया था एंड आज स्मैकडाउन में भी जे उसो के कहने पर मैं आया हूं। एंड दोस्तों फिर सेमी जेन कहते हैं, देखो क्राउन जेवल में एक मिनट के लिए हम चारों साइड बाय साइड लड़े थे एंड वो फीलिंग थी ओरिजिनल ब्लड लाइन की, ओल्ड डेज की, मैंने वो चीज फील करी है एंड कहीं ना कहीं तुम तीनों ने भी वो चीज फील करी हो जब हम ओल्ड टाइम में रसल किया करते थे हैज ए ब्लड लाइन हैज ए फैमिली। एंड फिर सेमी जेन रोमन रेंग्स को मनाने की बहुत कोशिश करती हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे के साथ फिर से रीयूनाइट हो जाएं एंड यही रोमन रेंग्स तुम चाहते हो, तुम मुझे लाइक करते हो कहीं ना कहीं, ऐसा सेमी जेन रोमन रेंग्स को कहती हैं एंड सेमी जेन है वो पूरी कोशिश करती हैं, पूरा ओल्ड पास्ट गिनवाती हैं रोमन रेंग्स को कि हम साथ में क्या कुछ किया करते थे, ओजी ब्लड लाइन की तरह इस प्लेस को रन करते थे, क्यों ना फिर से इस प्लेस को रन करें। एंड फिर रोमन रेंग्स को सेमी जेन कहती हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे चेहरे पर स्पार्क है वो ओल्ड वाली एंड तुम्हें सिर्फ अपोलोजाइज करना है मुझे। तो फिर रोमन रेंग्स कहती हैं मैं तुम्हें अपोलोजाइज करूं? तो सेमी जेन कहती हैं मुझे नहीं, जे उसो को करो। तो फिर रोमन रेंग्स जे उसो के पास जाती हैं, धीरे धीरे अपना मुंह बनाती हैं एंड बोलती हैं आई एम सॉरी कि तूने मेरा वेस्ट कर दिया टाइम इस फूल के साथ। जेन होनरेरी नहीं है, सेमी जेन उसो नहीं है, तो इसे आउट करो यहां से। एंड फिर रोमन रेंग्स कॉल आउट करती हैं सोलो सिकोवा को, सेमी जेन दूसरी तरफ रिंग को लेफ्ट करके चले जाती हैं, रोमन रेंग्स ने सेमी जेन को रिजेक्ट कर दिया। एंड फिर एलईडी ट्रोन पर आती हैं जेकब फाटू एंड वो बोलते हैं रोमन रेंग्स को कि सोलो सिकोवा रियल ट्राइबल चीफ है, वो अपने हिसाब से आएगा, तुम लोगों के कहने पर सोलो सिकोवा शो अप नहीं करेगा, जब उसके पास टाइम होगा तभी वो शो अप करेगा स्मैकडाउन के अंदर। तो इस तरह से ब्लड लाइन के इस सेगमेंट का एंड होता है। रोमन रेंग्स ने फिलहाल सेमी जेन को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन स्मैकडाउन के मेन इवेंट में बवाल हो सकता है, सेमी जेन फिर से ओजी ब्लड लाइन का पार्ट बन सकती है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो एंड अपने थॉट जल्दी से ब्लड लाइन के ऊपर बता दो। चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो।